अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम है और काफ़ी अच्छी हवा चल चुकी है। दिन को तो बहुत गर्मी थी, दिन को ही नहीं बल्कि दो तीन दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, बारिश भी बताई हुई है, तो देख सकते हैं। और कबूतर भी हमारे सारे अंदर ही चले गए थे, अभी बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं इनको खाना पानी अंदर ही डाल रहा हूँ, क्योंकि अब ये अंडे वगैरह देने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अंडे वगैरह दे देंगे। नेस्टिंग मटेरियल इनका आज मैं आपको नेस्ट वगैरह भी दिखाऊंगा अंदर जाके। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं किस किस ने नेस्ट बनाया और क्या अब तक किसी ने अंडे भी दिए हुए हों, तो देख लेते हैं। ये एक पेयर है, इसने इधर नेस्ट बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये एक, ये इसने भी बनाया हुआ है, इसने भी बनाया हुआ है, इसने भी बनाया हुआ है, और बाकी एक ये जो है इसने भी बनाया है। मतलब पांच छह जो है इन्होंने नेस्ट बनाए हुए हैं, अभी सारे उड़ के बाहर चले गए हैं। तो खाना आप देख सकते हैं कि मैंने अंदर ही इनको डाला है और पानी भी डाला हुआ है, तो काफ़ी इनके पर गिर रहे हैं, क्योंकि अभी ये पर गिराने वाला सीज़न, सबके नए पर आ रहे हैं। तो अभी बाहर चलते हैं, अभी तेज़ हवा चल रही है, वो इस साइड पे आते हैं, वो देखे फिंच भी अपने मतलब मटकी में चले गए, इनका नेस्ट अभी तक नहीं लेके आया मैं। तो एक भाई कमेंट करके कह रहे थे कि डव और फिंचेस के लिए आपने ये कॉलोनी मतलब के रख सकते हैं, पर पैरट्स के साथ नहीं, क्योंकि उन्हें नेस्टिंग मटेरियल चाहिए होता है। तो मैंने वही कहा कि हम ना फिंच और डव के लिए नेस्टिंग मटेरियल लेके आएंगे, इसी में इसी के अंदर रखेंगे और वो अपनी नेस्टिंग इधर ही करेंगे। तो पैरट्स वगैरह भी सारे खुश हो रहे हैं, हवा तेज़ चल रही है, तो वो स्टिक थोड़ी नीचे आ गई, तो वो मैं जाके सेट कर देता हूँ अंदर। स्टिक भी मैंने ठीक कर दी अंदर जाके। तो बाकी हमारी डव और फिंच और पैरट्स आपस में अभी तक तो मतलब बिल्कुल खुश हैं, कोई लड़ाई वगैरह नहीं की इन्होंने। देखें सबसे ज़्यादा मुझे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स में से ये वाला मेल अच्छा लगता है, ये जो है ये येल्लो वाला क्रीम कलर है इसका, ये मेल है। क्योंकि मेल इसमें ये होता है जिसकी वाइट नोज होती है वो फीमेल होती है, और जिसका ब्लू नोज होता है वो मेल होता है, ये इस तरह इनका पता चलता है। और डव का तो आपको पता ही है, जिसका डार्क रिंग होता है वो मेल होता है, लाइट रिंग होता है वो फीमेल होती है। बाकी इस साइड पे मैंने पैरट्स को भी खाना और पानी डाल दिया था, जब पड़ा हुआ भी है पानी ज़्यादा बाहर आ गया। रिंग नेक और कॉकटेल्स को मैंने खाना वगैरह डाल दिया था, पानी भी। वेदर चेक करें, बादल बहुत ज़्यादा आए हुए, तो मुझे तो कंफर्म लग रहा है कि बारिश होगी, पर कोई पता नहीं होता, इतना ज़्यादा हवा होने के बाद भी बारिश नहीं होती और मतलब गर्मी उसी तरह ही होती है। तो यही है आज का छोटा सा व्लॉग, तो इसी के साथ आज का व्लॉग का एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।